ईश्वर के फैसले पे कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऊपर वाला वो नहीं करता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो करता है जो आपके लिए अच्छा होता। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप, लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के बीच एक छोटा सा स्टोरी, ये स्टोरी एक सेल्स मैनेजर का। सेल्स मैनेजर एक ही कंपनी में 4-5 साल से काम करते रहता है, कंटिन्यू काम करते रहता है, हर क्षण हर पल के लिए भगवान के शुक्रिया अदा प्रणाम करते रहता है, घर से जब भी निकलता है प्रणाम करता है, घर जब भी जाता है पूजा पाठ करते रहता है, और ये जो सोचता है कि हमें जो नौकरी लगी ना भगवान की दुआ से लगा है, हर हमेशा हर क्षण हर पल के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करता रहा। कभी भी उससे साथ साथ बुरा होता है तो सोचते रहता है क्या हमसे ऊपर वाला चाहता है। एक ही साल से कंटिन्यू एक कंपनी में काम करते रहता है, उसका सैलरी बहुत बड़ा नहीं रहता और नए नौकरी का तलाश कर लेता। कुछ दिन उसे एक कॉल आता है और उसे बोला रहता है कि फाइनल इंटरव्यू के लिए आपको मैं कॉल करूँगा। वो उस टाइम को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते रहता है, बहुत ही खुश हो जाता है। वो कब सोचता है कि हमको अच्छा जॉब लगा, मैं इस कंपनी का मुझे पीछा छूट जाए। वो समय आता है, समय आने के बाद रात में सुबह 5 बजे का अलार्म लगा था, और लगाने के बाद सुबह जब उठता है तो बहुत ही लेट हो जाता है, सुबह 7:30 बजे उठता है, बहुत ही लेट हो जाता है। धड़फड़ में स्पीड तैयार होता है और अपने माइंड में सेट करता है क्या क्या उसे हमें इंटरव्यू में सवाल का जवाब देना है। धड़फड़ से स्टार्ट होता है, तैयार होने के बाद नीचे आता है, नीचे आने के बाद जैसे बाइक स्टार्ट करता है उसका बाइक ख़राब रहता है, उसे और गुस्सा हो जाता है, क्या ऊपर वाला चाहता है। वहाँ चले जाता है, जैसे आता है सड़क पर जाने के बाद एक ऑटो मिलता है, मुश्किल से एक ऑटो मिलता है। ऑटो मिलने के बाद अपने ऑफिस में जाता है, ऑफिस बंद रहता है, वो कॉल का इंतज़ार करते रहता है, उसे बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते रहता है। दोपहर हो जाता है, खाना खाने का समय आता है, धड़फड़ में अपना वो टिफिन भूल जाता है, वो टिफिन नहीं ले जाता है, जाता है कैंटीन पे। कैंटीन पे जाने के बाद वहाँ पे देखता है तो कैंटीन बंद रहता है। शाम हो जाता है, कैंटीन बंद रहता है, कैंटीन बंद होने के बाद एक अच्छा सा सैंडविच ऑर्डर करता है। वो सैंडविच आता है बहुत ही गंदा खराब कचरा सा रहता है, थोड़ा मोड़ा खाता है और फेंक देता है। फेंक देने के बाद शाम पड़ता है, एक कॉल आता है उसी नौकरी वाला को, जो उस दिन उसका कॉल इंतजार करता है, उसी नौकरी वाला को कॉल आता है और वो बात करते रहता है। बात करने के बाद उसका मोबाइल अचानक स्विच ऑफ डेट हो जाता है, स्विच ऑफ देखता है तो स्विच मोबाइल डेट ऑफ पड़ा रहता है। शाम हो जाता, अपने घर आता है और घर आने के बाद नाश्ता करता है, नाश्ता करने के बाद सोने के लिए जाता है तो लाइट चले जाता है। वो इंसान बहुत ही गुस्सा में, बहुत ही तामस से चलने लगता है, क्या ऊपर वाला हमसे चाहता है। वो बहुत ही गुस्सा में आ जाता है, गुस्सा में आ जाने के बाद वो कब सो जाता है उसे पता ही नहीं लगता है। नहीं लगने के बाद नींद में भगवान से ऊपर वाला से बात करते रहता है और बोलता है आप क्या चाहते हैं हमसे। जब मैंने इन्हें तो सुबह में मैं 7:30 बजे उठा, जब मैं बाइक स्टार्ट करने के लिए गया तो बाइक ख़राब हो गया, मैं ऑफिस में गया तो ऑफिस बंद था, मैं तो खाना भूल गया था कैंटीन गया तो कैंटीन बंद था, जब उस कंपनी का फोन आया तो मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, घर पर मैं जब सोने के लिए आया तो लाइट चली गई, आप क्या चाहते हैं। भगवान उससे कहते हैं आज जो भी हुआ ना मेरे वजह से हुआ है, आज जो भी हुआ है ना मैंने किया है, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना इतना लेट उठाया, क्यों इतना लेट उठाया, मैं तुम्हें अगर सवेरे उठाता तुम बाइक से जाता स्पीड में जाता आज तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता, इसीलिए मैंने तुम्हें सुबह लेट उठाया और लेट उठाने के बाद तुम्हारा बाइक इसीलिए ख़राब किया था। तुम जो वहाँ पे गया ना ऑफिस पे कैंटीन इसीलिए बंद था ना क्योंकि इसका खाना जो ख़राब था बहुत दिन का था बहुत ही, और तुम वो खाना खाते ना तुम्हारा तबीयत ख़राब हो जाता इसीलिए वहाँ पे वो कैंटीन बंद था। वो जो तुम्हारे कंपनी वाला को कॉल आया था ना एक नंबर का घोटालेबाज था, कंपनी के नाम पे जॉब के नाम पे तुमसे पैसा ठगना चाहता था, इसीलिए ने उस वक्त तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। ये जो अभी लाइन चली गई ना, अगर ये अभी लाइन आता तो शॉर्ट सर्किट के वजह से तुम्हारे घर में आज आग लग जाता, इसीलिए मैंने लाइन कटवा दिया। तू मेरा सच्चा भक्त है ना, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर मुझे विश्वास करता है तो जिंदगी भर करता रह, तुम्हारे साथ कभी मैं बुरा होने ही नहीं दूंगा। कभी आप देखिएगा आप जिंदगी में कि बुरा वक्त होता है, बहुत खराब होते जाता है, लेकिन पीछे कुछ सालों को उलट के देखिए ना तो सच में लगेगा कि हाँ सच्चाई हो रहा है। इसीलिए ऊपर वाला पे बिलीव भरोसा, हर हमेशा बिलीव भरोसा बना के रखिएगा। मैंने शुरू में कहा था कि ऊपर वाले के फैसले पे कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऊपर वाला वो नहीं चाहता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो चाहता है जो आपके लिए अच्छा होता है।
इसलिए ऊपर वाला पे हर हमेशा विश्वास भरोसा बनाए रखिए, जरूर एक दिन आपका मन्नत जरूर पूरा हो।